ऊपर ही कर देता, इतनी दूर होकर क्यों कर रहा है? आ जा मेरे सर पे ही चढ़ के कर। क्या भौजी? बाबू किसी काम का नहीं है, सुबह उठ के मेरे सर पर मुत्ता है, उसे तो खाना चाहिए और मेरे साथ सोना चाहिए। अगर आके कुछ काम करवा लेता, गोबर उठवा देता, बर्द को चारा डाल देता, लेकिन नहीं, उसे तो घूमना है, खाना है और मेरे साथ सोना है, बस। जिंदगी खराब करके रख दिया इसने। देवर है कि देवरा का झंड है पता नहीं, सामान लेने जाता है तो वहीं पे हरा जाता है, वो आधा पैसा तो पता नहीं किधर गायब हो जाता है। ये किसी काम का नहीं है। मैं तो अब क्या हो गया? क्यों भौजी बड़बड़ा रही हो? क्यों ना बड़बड़ाऊं, सांड की तरह घूमता है। अगर कुछ घर के काम कर लो या मेरे मदद कर लो तो कुछ हो जाएगा? नहीं, तुम्हें तो अंडू जैसे करके घूमना है, बस खाना चाहिए, पीना चाहिए, घूमना चाहिए और रात को मेरे साथ चपक के सोना चाहिए, इतना हो जाए तो तुम्हें काफी है। भौजी। क्या भौजी? मेरा कान यहीं पे है, बताओ। भौजी का बताओ। भौजी आपका ना ये गाल बहुत अच्छा है। और सुनो ना भौजी, आपके आंखें वो भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा? हाँ, और मुझे ना सबसे अच्छी बात तो आपकी ओंठ बहुत मन पड़ता है, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा? भौजी मैं तो क्या कह रहा था, भौजी आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मक्खन की जैसी, घी जैसी लगती हो मुझे। ज्यादा मस्का ना मारो, काम क्या है वो बताओ। भौजी मैं क्या सोचता हूँ कि आज मैं आपके काम में हाथ बटवा लेता हूँ, कि गलत बात है? अच्छा तो ठीक है। हाँ। आज कहीं पे जाना मत, काम है तो दोनों मिलके दिन भर आज काम करते हैं, मेरा हाथ बटा देना सारा दिन। हाँ। समझे? अच्छा अच्छा ठीक है भौजी, ठीक है मैं बटवा लूंगा हाथ, काम अभी ठीक ठीक है तो तुम बोलोगे अभी तुरंत के तुरंत गायब। भौजी अब जब सारा दिन मैं काम करूंगा तो मैंने बाजार में ना आपके लिए, मैं सोच रहा हूँ कि देखो ना आपका हाथ कितना सुना सुना है भौजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप पैसे दो ना मैं चूड़ी लेके आऊंगा आपके लिए। अच्छा बेटा, और मैं तुम्हें पैसे भी दूं और चूड़ी तुम लेके आओ। हाँ। चूड़ी मेरे लिए तब लेके आना जब तुम खुद कमाओगे, मैं खुद ले लूंगी, भगवान ने मुझे भी दो दो पैर दिए हैं तो मैं खुद चल के ना ले सकती हूँ चूड़ी। भौजी क्या दे दो ना। मैं तुम्हें क्या बोल रही थी कि काम करो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको ऐसा तो नहीं लगता कहीं मैं पैसे के लिए मस्का लगा रहा हूँ? तो लगता है क्या, ये तो चेवर है, वही तुम कर रहे हो। भौजी आपने मुझे इतना गिरा गुजरा समझ लिया? हाँ तो तुम गिरे हो तो गिरे गुजरा नहीं सोचूंगी तो क्या सोचूंगी। ये लो थोड़ा और डालो भौजी, डाल लो इसके। क्या भौजी सुनो ना, मैं बहुत अच्छा, मैंने ऐसा कड़ा वाला कड़ा वाला बहुत ही अच्छा चूड़ी है, वो मैंने देखा है तो मैं लेके आऊँ। हैं दे दो मुझे कुछ पैसे। हाँ भौजी ठीक है, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। काम करो यहाँ मेरे साथ। ठीक है काम करूँगा भौजी, मेरी प्यारी भौजी, मेरी सोना भौजी। कितना छिंदरेपन करोगे मेरा सोना भौजी, कुछ काम कर लो के कुछ सीखोगे तो तुम्हें ही तो सब काम लगेगा बाद में। हाँ भौजी, जब हाँ। पत्नी आएगी तुम्हारी, जब शादी होगा तो इसी तरह से पालोगे उसे, कोई भी नहीं बैठेगी इस तरह से। अभी बता रही हूँ, अच्छे से काम कर लो, सीख लो कुछ। भाभी भौजी ये देखो हो गया। हाँ पैसे। अरे तुमने मेरे पैसे, अब तुम चुराने भी लग गए, तुम्हें मेरी सोना भाभी, मेरे चांदी देवर, मेरी प्यारी भौजी, क्या मेरे गंदे देवर। रहने दो भौजी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम गंदी गंदी बातें करती हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ भौजी। हाँ सुनो भौजी,
शाम को मैं आऊंगा बा। भौजी बाय बाय। शाम को तो आओ मेरी तब तू कहां बताई। रुक आई हूँ शाम के तो लौट के घरे तब बताई। घोड़ा के 14 देवर दिन भर घूमता रहता है और रात में जब घरे आई तो कही भौजी इधर दर्द होने लगा है उधर दर्द होने लगा है यहाँ पे दबा दो इका पकड़ो। उफ रात भर सोने नहीं देता है रात को नर्क बना दिया इस देवर ने। ओफो दिन भर मैं काम करती हूँ कभी मेरा भी पैर दबा दे कभी मेरा भी शरीर पे मालिश कर दे बस इसके साथ रात भर चपक के सो और इसको अच्छे अच्छे खाना दो और सवेरे उठो नहला धुला के इसको तैयार करो और इसके कपड़ा छांटो। मैं तो तंग आ गई हूँ एक बार इसके शादी करवा देती तो छुटकारा मिल जाता। काम करूं कितना काम करूं इस काम ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब देवर तो है लेकिन किसी काम का नहीं बस मुझे तो आपने काम होना चाहिए। पति है लेकिन क्या काम वो आना नहीं चाहते वहीं पे विराजमान होकर बैठे हैं और एक देवर है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता है हरदम पीछे पड़ा रहता है। लगता है अब मेरी जिंदगी सब इसी में ही कटेगा बर्बाद हो गया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। सारा दिन काम करो ये करो वो करो झंड हो गया मेरी जिंदगी झंड हो गया। दिन भर मशीन चलाओ गोबर फेंको कंडा पातो कपड़ा छांटो खाना बनाओ क्या क्या करूं क्या नहीं करूं मेरा तो किस्मत ही फूट गया। शाम हो गया है ये बाबू अभी तक नहीं आया पता नहीं कहां मर गया। रात होने वाला है ये देवर ये नहीं सोचता है कि भौजी घरे अकेली है कहीं कोई छिंदरा उंदरा ना आ जाए कुछ कर दे भौजी का कुछ बात नहीं समझता है। और सुबह तो बहुत लंबी लंबी झांसा आंग रहा था कि मैं ये ला दूंगा वो ला दूंगा चूड़ी ला दूंगा ये कर दूंगा घर पे बैठूंगा लेकिन अब आप देखो फुर हो गया कम से कम अभी तक घर तो आना चाहिए उसे। अरे हे भौजी खाना बना दिया बहुत जोर से भूख लगा है भौजी फटाफट खाना लेके आओ ना भौजी मेरी भौजी मेरी प्यारी भौजी खाना लेके आओ ना ये देखो भौजी मैंने खरीदा। अच्छा तुम्हारा बुसटिया कहाँ है। वो तो मैंने दोस्त को दे दिया बहुत गरीब था बेचारा ना तो मैंने कहा मेरी भौजी बहुत धनी है और मैंने उसको दे दिया। नवा मिला तो पुराना तुम फेंक दियो है। हाँ बड़े पैसे वाले हो तुम। हाँ रहने दो आप तो लेकिन खाना लेके आओ भौजी फटाफट भौजी लेके आओ। कहा ढोल के आया नहीं कि छिंदरा खाना मांगने लगा इसे क्या पता कि खाना बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या बताऊँ मुझे कब इसके दिमाग आएगा ठिकाने में कब नहीं आएगा या कभी भी नहीं आएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसकी हरकतों से। अब आराम से खाना ठूसेगा उसके बाद में आराम से सोएगा ये नहीं कि कहीं अलग जाके सो जाए रात भर फिर परेशान करेगा। मेरा तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गया ये रोटी में घास में गोबर में मेरा ज़िंदगी कटने वाला है। अब भौजी मैं मोबाइल यहाँ पे रख देता हूँ भौजी फट। अरे बक्का आम का अचार आपने बनाया है लाओ ला खाओ ठूसो ठूसो तो पहले लाओ तो लाओ ना भौजी थोड़ा जल्दी भौजी मैं आपने जो चूड़ी कहा था ना वो चूड़ी नहीं मिली। रहने दो तुम्हारी चूड़ी है चूड़ी नहीं मिल पाया
जाओगे ढूंढोगे तब तो मिलेगा। अरे वैसे मिलेगा कहीं कहीं पे? चूड़ी तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे बाप ने दुकान खोल के रखा है उधर। अच्छा लाओ ना भौजी खाई यार बड़ा। हाँ हाँ दे रही हूँ। खाओ निकालो लो। बहुत अच्छी बात है आपको। भौजी आपका खाना बहुत अच्छा होता है हमेशा, मैं इसीलिए कल पे खाना खा नाश्ता नहीं करता हूँ। हाँ लगता है सुबह से कुछ नहीं खाए हो। नहीं भौजी नहीं, उस पैसे का मैंने कपड़ा खरीदा बस। आप तो तुम्हारा दिमाग आना चाहिए। मैं बोल रही हूँ एक शादी कर लो अच्छे से, कहीं पे काम करो। शादी क्यों करना, आप हो ना, मुझसे तुम्हारी जिंदगानी नहीं कटेगा, पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब आप तुम्हारे भैया आ जाएंगे जब, तो मैं तो तुम्हारे भौजी मैं खा रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हारे भैया के साथ रहूंगी ना, तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहूंगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ एक शादी कर लो। रहने दो भौजी, क्या बोल वचन कर देगी खाने के टाइम। तुम दिन भर घर पे बैठो तब तो तुम्हारे साथ बात करूं। भौजी मेरा पेट भर गया है, अब चलो सोते हैं। खुद तो उड़ लियो, पेट भर गया अब मुझे क्या नहीं खाना पड़ेगा? अब मुझे भूख नहीं लगता है। अभी दो तीन मिनट बाद खा लेना, जब चार पांच मिनट मेरे साथ बाद में खा लेना चार पांच। चलना भौजी मैं जब सो जाऊंगा तब खा लेना। पहले खाने दो तब। ये भौजी चलना चलना भौजी। मरे लग पुरखन कटो, चुनना आएगा फिर क्या? अब चुनना ही के शांत करे परी, आग लग गई क्या? आग लग गा चलना भौजी चलना। अरे पहले पल्लवा तो बंद कर ले तब तो, या वैसे खुला तो बंद के आओ ना जल्दी से। तो तुझे हाथ ना है, टूट गवा हाथ। हम कुछ ना कर पाए, हमारे जूतों निकाल दो आप ओढ़ो मेरे साथ। अच्छा एक जूता निकाली और हम जाए पल्ला बंद करी तक उसके बाद में इसके साथ चपक के सोए तब हम खाना खाए हैं। हमरे नींद पर जी तब सोयो जा। अब यही सब पानी रहा। जाओ भौजी जाओ ना भौजी जाओ भौजी, वहाँ जूता उता सब निकाल दो। कोनो दिन हम के ई घर में हम आए गए, कोनो दिन ई घर में हम पड़ गए, हमरे तो दिमाग खराब होते। पल्ला बंद करी।